कर सकते हो। ठीक, अब आप हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे। अब अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसको आप डेनियल सेल कह रहे हो, वो दो हाफ सेल से मिलकर बना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर डेनियल सेल आर मेड अप ऑफ, या आर मेड फ्रॉम टू हाफ सेल्स, आर मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स या फिर मेड फ्रॉम टू हाफ सेल्स। ठीक है, एक लेफ्ट हाफ सेल, एक एड, दूसरा राइट हाफ सेल। ठीक है, उन दो से मिलकर आपका क्या बना होता है, उन दो से मिलकर आपका क्या बना होता है, उन दो से मिलकर आपको बना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, देखो आगे हेडिंग डालोगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जनरली आप एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वो टू हाफ सेल से मिलकर बना होता है, एक लेफ्ट हाफ सेल, एक राइट हाफ सेल। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड की बजाय आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ हाफ सेल्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड उनमें लगे होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड उनको कहा जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, डायरेक्ट बता रहा हूँ भैया, ध्यान रखना। सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन वो है गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड, अभी एक बार देखते जाओ। ठीक है, सेकंड है मेटल, मेटल आयन, मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। थर्ड है मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड। ठीक, अगला जो है आपके पास, अगला जो है वह आएगा आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोड, या फिर आप कह सकते हो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। फिर आप कह सकते हो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्या कह सकते हो आप, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड आप इसको कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, बोलो क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिडक्स इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये टू टाइप का होता है, फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। देखो एक बार, देखो क्या होता है गैस एन इलेक्ट्रोड, सब कुछ समझाऊंगा एक बार देखते जाओ आप। जो गैस एन इलेक्ट्रोड हैं, अब इनको पता है रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इनका रिप्रेजेंटेशन जैसा नाम लिखा है ना वैसे इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, जैसा नाम लिखा है वैसे क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। पहला नाम क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो हाफ सेल होगा, ओनली हाफ सेल की बात कर रहे हैं अपन, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, कोई भी एक हाफ सेल होगा, उस हाफ सेल में जनरली अपन लेफ्ट हाफ सेल की बात करते हैं, चलो किसकी बात कर रहे हैं अपन, लेफ्ट हाफ सेल की बात कर रहे हैं, उस हाफ सेल में एक तो गैस होगी, कोई भी गैस होगी, उस गैस का ही कोई क्या होगा, आयन होगा। जैसे मान लो आपके पास कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, तो उस गैस का आयन क्या होगा, H प्लस, उस गैस का आयन क्या होगा, H प्लस आयन। ठीक है, तो एक तो गैस होगी, उस गैस का ही कोई क्या होगा, आयन होगा। तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रोड फॉर्म होगा उसको क्या कहोगे, गैस आयन इलेक्ट्रोड। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करना है, पहले किसको लिखना है, पहले गैस को लिखना है, फिर उसके बाद में स्लैश लगा के इसको लिखना है, उस गैस के आयन को लिखना है। अब आयन जो है,
आयन जो है वो गैसियस स्टेट में तो मिलने वाला नहीं है, आयन तो किस में मिलेगा आपको, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो गैस अलग है और आयन अलग है, दोनों की फेज चेंज हो गई, क्या अलग हो गया बीच में, स्लेस लगाना है। ठीक है, तो इन जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन करोगे आप, कैसे करोगे आप, पहले किसको लिखोगे, गैस को लिखोगे, उसके बाद में किसको लिखोगे, आयन को लिखोगे। अब आप कहोगे, आप तो क्या कहोगे, मैं कह देता हूँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड, तो क्या गैस का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है, क्या गैस का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता गैस का इलेक्ट्रोड। गैस को इकट्ठा करके आप उसको इकट्ठा करके इलेक्ट्रोड के रूप में बना सकते हो क्या, ऐसे बना सकते हो क्या, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता है, वैसे गैस का इलेक्ट्रोड हो सकता है क्या? अरे गैस को इकट्ठा करके आप सॉलिड बना सकते हो क्या, उससे नहीं बना सकते। तो गैस को कभी भी एज इलेक्ट्रोड फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, गैस के लिए वहाँ पे जो अपन इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ठीक है, गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे जो अपन इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, और जनरली वहाँ पे अपन प्लेटिनम का लिए यूज़ करते हैं। आप ग्रेफाइट का भी यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। तो गैस एंड जो इलेक्ट्रोड हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो गैस है उसको अपन इकट्ठा करके क्या नहीं बना सकते, गैस को इकट्ठा करके हम इलेक्ट्रोड फॉर्म नहीं कर सकते। इसकी वजह से इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड होंगे या इस टाइप के जो हाफ सेल होंगे उनमें एज ए इलेक्ट्रोड कौन यूज़ होगा, प्लेटिनम यूज होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन दीज हाफ सेल्स या फिर इन दीज इलेक्ट्रोड्स, इन दीज इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। ध्यान रखना भाई, प्लेटिनम का यूज़ किसके में होता है, एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। दिख रहा हूँ मैं, चलो इसका क्लासिफिकेशन देखो। सबसे पहला जो गैस एन इलेक्ट्रोड है वो है आपका हाइड्रोजन गैस एन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओके। अगला कौन सा है आपका, अगला है आपका ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड, एक बार नाम लिख लो फिर मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तीसरा क्लोरीन गैस आयन इलेक्ट्रोड, बैठा दिमाग में, यह तो इनका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया किसका, गैस आयन इलेक्ट्रोड का। ठीक, चलो मैं डिटेल से बताऊंगा एक एक चीज़ों को, एक बारीकी से बताऊंगा। ठीक, मेटल आयन, नाम से ही पता चल रहा है, एक तो क्या होगी मेटल होगी और एक क्या होगा उसी मेटल का कोई आयन होगा। समझ में आ गया, अब एक तो क्या होगी मेटल होगी और एक उसी मेटल का क्या होगा आयन होगा। तो इनसे जो इलेक्ट्रोड फॉर्म होगा, इनसे जो हाफ सेल फॉर्म होगा उसको आप क्या कहोगे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड या फिर मेटल आयन हाफ सेल उसको कहोगे। ठीक है, मेटल आपके पास होगी, जैसे मान लो कोई मेटल है, ये मेटल है, कैसी होती है मेटल, सॉलिड होती है, और मेटल का आयन जो आएगा वो तो लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, स्लेस यूज़ करोगे, और ये लो मेटल की कोई आयन आ गया और ये किस में आ गया, एक्वस स्टेट में। एग्जाम्पल बताऊँ, लो देखो एग्जाम्पल, जिंक मेटल है, सॉलिड है, Zn+2, इसका आयन है क्या, मेटल का आयन है क्या, कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, दोनों की फेज क्या है, चेंज है, तो क्या लगाओगे, स्लेस लगाओगे। ये जो इलेक्ट्रोड का टाइप है, ये कौन से इलेक्ट्रोड का टाइप है आपका, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब समझ में आ गया, तो आप इसको देख के बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रोड कौन से हाफ इलेक्ट्रोड का या फिर इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन है, बता सकते हो ना, मेटल आयन इलेक्ट्रोड बता सकते हो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कॉपर वाला लिख सकते हो, अब बताओ कॉपर वाला आ गया आपके पास, मैं ये लिख रहा हूँ आपके पास, Cu+2 = कॉपर सॉलिड, बताओ इसको क्या कहोगे आप, ये कौन सा हाफ सेल है, हाँ वेरी गुड, ये आपका है मेटल हाफ सेल, ये कौन सा सेल है, मेटल आयन, पहले कौन लिखा जा रहा है उसका नाम लिखोगे, पहले कौन है मेटल आयन फिर मेटल हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल। कन्फ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है, लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल।
अपन जनरली यहाँ पे कौन सी बात करें, लेफ्ट हाफ सेल की बात करेंगे, मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, समझ में आ गया? ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, पहले कौन आ रहा है, मेटल आयन है, फिर कौन आ रही है, मेटल आ रही है, दोनों के देखो फेज डिफरेंट है, इसलिए मैं क्या लगा दिया, मैंने फेज चेंज हो गई इसलिए स्लैश लगा दिया, तो ये क्या हो गया, मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक? अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये एक टाइप से एनोडिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, ठीक है? ये जो आपका होता है, इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स देखो आप इसके, इसका पहला है एक तो सिल्वर इलेक्ट्रोड, दूसरा मर्करी इलेक्ट्रोड, इसका फर्स्ट टाइप है सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है? और दूसरा टाइप कौन सा है इसका, मर्करी इलेक्ट्रोड, बैठा दिमाग में, इसको रिप्रेजेंट करें सिल्वर इलेक्ट्रोड, पहले किसको लिखना है, एक तो मेटल लिखना है, पहले किसको लिखोगे, मेटल को, फिर किसको लिखना, इनसोल्यूबल साल्ट, उसी मेटल का कोई इनसोल्यूबल साल्ट है, जैसे हमने सुना हो ना बेरियम सल्फेट, HgCl, ये सारे इनसोल्यूबल साल्ट होते हैं, या फिर स्पेरिंग सोल्यूबल साल्ट होते हैं, ठीक है? या HgCl2, HgCl, ये सारे क्या हैं, इनसोल्यूबल साल्ट हैं उसी मेटल के, तो आपने मेटल कौन सी ली, Hg ली है भाई, मेटल कैसी होती है, सॉलिड होती है, मेटल कैसी होती है, सॉलिड होती है, इनसोल्यूबल साल्ट, ठीक है, इनसोल्यूबल साल्ट। अब साल्ट आप ले रहे हो तो साल्ट तो खुद सॉलिड होता है, साल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, तो मैंने कहा था जब फेज सेम होती है तो क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, ये लो भाई कोमा लगा दिया, खुश? साल्ट क्या आएगा इसका, साल्ट क्या आएगा, HgCl, इसका साल्ट क्या आएगा, HgCl, इनसोल्यूबल होता है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन, आगे क्या लिखना है इसका, एनायन, ऋणायन कौन सा है इस सोल्यूशन में, सॉरी इस इलेक्ट्रोड में ऋणायन कौन सा है, Cl माइनस, अब माइनस आयन आ गया, आयन तो कहाँ मिलेगा आपको, सोल्यूशन में मिलेगा, तो ये भी आपको क्या होता है, सॉलिड होता है, और अब आपने लिख दिया Cl माइनस, ये कहाँ मिलेगा आपको, एक प्लस फॉर्म में मिलेगा, तो बोलो सिल्वर इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया क्या, सिल्वर इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, क्या लिखोगे, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन हाफ सेल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, या फिर आप कह सकते हो मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन हाफ सेल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन, पहले कौन लिखोगे, मेटल लिखोगे, फिर उसके बाद में उसी मेटल का क्या लिखोगे, कोई इनसोल्यूबल साल्ट लिखोगे, और फिर उसी साल्ट का क्या लिखोगे आपको, एनायन वहाँ पे यूज़ आपको करना है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये दो टाइप का होता है मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन वाला, पहला सिल्वर इलेक्ट्रोड, दूसरा मर्करी इलेक्ट्रोड। अभी जो मर्करी इलेक्ट्रोड होता है ना, ये भी फर्दर आगे टाइप का होता है, मर्करी मर्क्यूरी क्लोराइड इलेक्ट्रोड, मर्करी मर्क्यूरस ऑक्साइड या फिर सल्फेट, और एक केलोमल इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, ठीक है? तो जो मर्करी इलेक्ट्रोड होता है, इसके टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका केलोमल इलेक्ट्रोड, कौन सा है, केलोमल इलेक्ट्रोड, लगा लेना भाई इम्पोर्टेंट, इसके अभी मैं रिप्रेजेंट करना बताऊंगा। इसका जो सेकंड टाइप है वो है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, और इसका थर्ड एक और है मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। आ गया समझ में? देखो भाई, अब कौन सा इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं अपन, केलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, मर्करी इलेक्ट्रोड अपन पढ़ रहे हैं। मर्करी क्या होती है, मर्करी, चलो एक बार उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड, और सेकंड होता है इसका क्वीन हाइड्रोन, दिख रहा है कि दिखे, चलो दिख रहा है,
क्विन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, देखो हमने क्या कहा, मरकरी बोलो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, या क्या होती है, गैस होती है, बोलो क्या होती है? मरकरी लिक्विड होती है। अब इलेक्ट्रोड कौन सा पढ़ना है अपने को, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एन आयन इलेक्ट्रोड। मरकरी मेटल होती है, और मरकरी का आप क्या इलेक्ट्रोड फॉर्म कर सकते हो क्या? अरे लिक्विड को इकट्ठा करके, लिक्विड को कलेक्ट करके क्या उसका इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, इलेक्ट्रोड तो सॉलिड का ही बनता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, कैलोमल। अब जो कैलोमल होता है, देखो जितने भी मरकरी इलेक्ट्रोड होते हैं ना, जिनमें भी मेटल जो है या तो वो गैस यूज हो या फिर मेटल लिक्विड यूज होती है, जिनमें भी मेटल या तो गैस होती है या लिक्विड होती है, वहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। कौन से इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। तो आप सबसे पहले लिखोगे प्लेटिनम पीटी। ठीक है, सॉलिड होता है। अब मरकरी आएगी, तो मरकरी कैसी है, मरकरी कैसी है बोलो? अब आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मरकरी कैसी होती है, कैसी होती है, लिक्विड होती है। तो देखो फेज चेंज हो गई, सॉरी ये लगा दिया अपने। फिर इसका जो साल्ट होता है, इनसोल्यूबल साल्ट, HgCl लिख दें, HgCl या फिर HgCl2 कौन सा होता है, एक बार देख लूँ। इसका जो साल्ट होता है वो HgCl2 होता है। ठीक है भाई, ओके 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 ओके, बोलो क्या आया, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट। मेटल के पास में किसको रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट किया है। अगर या नहीं, ये इलेक्ट्रोड ही तो है, या क्या है, ये इलेक्ट्रोड ही तो है। इसको इकट्ठा करके, मतलब जिंक है, सॉलिड है, सॉलिड के इलेक्ट्रोड अपन फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए अपने प्लेटिनम नहीं लिखा। तो जिनको इकट्ठा कर, जिनको कलेक्ट करके अपन इलेक्ट्रोड फॉर्म नहीं कर सकते, उनके पास में किसको लिखते हैं, प्लेटिनम को लिखते हैं। ठीक है, देखो मरकरी, सॉरी मेटल, मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट और एनायन, एनायन क्या आएगा इसका, Cl माइनस। तो ये इसका लेफ्ट हाफ, मतलब कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओनली हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, ओनली हाफ सेल का, कंप्लीट सेल का नहीं है। कंप्लीट सेल के लिए तो आपको राइट वाले चैम्बर का और लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मरकरी की मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मरकरी, तो पहले क्या लिखोगे, पी टी, फिर मरकरी एच जी, फिर किसको लिखोगे, फिर किसको लिखोगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहा है, मरकरी की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो प्लस वन या प्लस टू, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू, इसलिए इक लगा है। मैंने कहा था ना, अगर कोई मेटल अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अपन इक लगाते हैं, और अगर कोई मेटल अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, अस। यहाँ पर नाम क्या यूज हो रहा है, मर्क्यूरिक, क्या यूज हो रहा है, मर्क्यूरिक, इक। इसका मतलब मरकरी है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्साइड का है तो आप कह सकते हो एच जी ओ। देखो लर्न, टीपना तो कुछ है नहीं, रटना तो कुछ है नहीं, नाम याद रखो, काम अपना आप हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, इनसोल्यूबल साल्ट हो गया, क्या हो गया, इनसोल्यूबल साल्ट, मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, ओके। और इसका एनायन क्या लिख दोगे आप, इसका एनायन क्या लिख दोगे, ओ एच माइनस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओ एच माइनस, आप इसका एनायन लिख सकते हो। ठीक है भाई, आप इसका एनायन लिख सकते हो। ठीक, कोई बात नहीं, आगे बाद में आप लिख देना, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला देखो, मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट। अब तो लिख लोगे, ये प्लिटी, ये मरकरी। ठीक, मर्क्यूरस सल्फेट, मर्क्यूरस सल्फेट, मर्क्यूरस मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी 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 कितनी, प्लस वन। तो क्या लिखोगे, सल्फेट एस ओ फोर टू माइनस होता है ना, तो क्या लिखोगे, एच जी टू एस ओ फोर। ठीक, बस, और आगे लिख दोगे आप H2SO4, क्योंकि इसका जो साल्ट है, जो एनायन है, एनायन क्या है, सल्फेट माइनस है, एनायन क्या है, सल्फेट माइनस, SO4 2 माइनस, वो कहाँ से मिलेगा आपको, H2SO4 से मिलेगा। तो ये यहाँ पे, ये लिक्विड फॉर्म में, ये आपका क्या है, साल्ट फॉर्म में है। ठीक, ये साल्ट है आपका, ये क्या है आपका, एनायन, मतलब आप चाहो तो ओनली SO4 2 माइनस लिख सकते हो, चाहो तो ओनली SO4 2 माइनस लिख सकते हो, वहाँ पे एक्वस फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया है। ठीक है, लिख लो इनका रिप्रेजेंटेशन, आप लिख लो, लिख लिया, लिख लिया, चलो तो ठीक है। अगले देखो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड, फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड, सीधा सीधा पता लग रहा है, फेरिक Fe+3, फेरस Fe+2, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है,
दोनों एक्वस स्टेट में, इसलिए अपन कोई फ्लैश व्लैश नहीं लगाएंगे। अब प्लेटिनम भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम प्लेटिनम ब्लू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे प्लेटिनम लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे अपन, प्लेटिनम लगाएंगे, क्योंकि मेटल की किस्में आ गई सारी, मेटल की किस्में आ गई आपकी आपकी एक्वस फॉर्म में आ गई, तो यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, मेटल मेटल ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन होगा दूसरा क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक, ओके। अगला आता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्या आता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है पी टी क्यू एच टू क्यों, ये क्यों एच टू क्या है, क्विन हाइड्रोन है। ठीक है, और जो क्यों है आपका, जो क्यों है आपका वो है क्विनोन, क्या है क्विनोन है। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे एच प्लस और लिख सकते हो, तभी इनको पढ़ेंगे ना, तो अपन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, रफ करो इसको, चलो तो रफ करते हैं। और सबसे पहले इलेक्ट्रोड अपन डालते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड अपन पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड। एक एक पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल ईजी है। देखो भाई, सबसे पहला देखो आप गैस आयन इलेक्ट्रोड, सबसे पहला कौन सा देखोगे आप, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो भाई गैस आयन इलेक्ट्रोड, समझ गए, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, गैस होगी उसी गैस का क्या लेना आपको, आयन लेना है। अब क्योंकि गैस को अपन क्या नहीं कर सकते, गैस को इकट्ठा करके हम क्या नहीं कर सकते, उसका इलेक्ट्रोड फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे किसका यूज़ करना है आपको, प्लेटिनम का यूज़ करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ता है, मैं लेफ्ट हाफ सेल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, लेफ्ट हाफ सेल की, तो आप रिप्रेजेंट करोगे पी टी सॉलिड होता है, ठीक है, गैस, उस गैस का क्या लेना आपको, आयन लेना है आपको, तो ये तो क्या हो गया आपका लेफ्ट हाफ सेल। जैसे लेफ्ट हाफ सेल कंप्लीट हुआ क्या आता है, साल्ट ब्रिज आता है, फिर क्या लिखोगे, अब आप उल्टा देखो, पहले इलेक्ट्रोड आता था ना अपने जिंक वाला, याद करो जिंक कॉपर वाला डेनियल से, याद करो पहले इलेक्ट्रोड लिखते थे जेड एन प्लस टू, फिर जेड एन प्लस टू के आयन लिखते थे, फिर साल्ट ब्रिज आएगा, फिर कॉपर सल्फेट के आयन आएंगे, और लास्ट में कौन आएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड आएगा। तो वैसे लिखोगे आप पी टी मेटल सॉरी गैस आयन, अब क्या लिखोगे, उल्टा करते ना, पहले आयन आएगा, फिर कौन आएगी, गैस आएगी, फिर कौन आएगा आपका, इलेक्ट्रोड आपका आएगा। तो ये आपका कंप्लीट सेल है, ये क्या है आपका कंप्लीट सेल है, ना कि हाफ सेल है, आया समझ में, वेरी गुड। तो सबसे पहले अपन कौन से पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन गैस आयन गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक भाई, चलो अब समझ गए क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन गैस होगी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे, और हाइड्रोजन गैस का जो आयन होता है कॉमन आयन, वो क्या अलग हो गया आप एच प्लस। ठीक, तो देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है ये आपका एक ये आपका पी टी का इलेक्ट्रोड है, ये तो क्या है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और इधर से आप क्या कर रहे हो हाइड्रोजन गैस फ्लो करवा रहे हो, पर जिस भी गैस का आपको इलेक्ट्रोड फॉर्म करना है ना, उस गैस को फ्लो करवाते हैं अपन, यही डायग्राम सर में बनेगा। ये आपकी क्या है, ग्लास ट्यूब है, कोई क्या है ग्लास ट्यूब है। ठीक, अब यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है,
क्या कर रखा है आपने, एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है। अब कौन सा सॉल्यूशन फिल कर रखा है, वो सॉल्यूशन फिल कर रखा है जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो बोलो, हाइड्रोजन का आयन हो। तो आपने कहा इसमें हम 1 मोलर HCl भर रखा है अपन ने, क्या भर रखा है, 1 मोलर HCl। अब HCl है तो उसमें H प्लस भी होंगे और क्या होंगे, Cl माइनस भी होंगे। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो किससे मतलब है, H प्लस से मतलब जो हमें मिल गया उसी गैस का कोई क्या लेना आपको, आयन आपको लेना है। तो ये जो चित्र आ गया, चित्र चित्र बोले तो फिगर डायग्राम किसका आया है, हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड, किसका आ गया, हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड का ये चित्र आ गया है। ठीक है भाई, ओके। सब में आपको यही करना है, आप दूसरा पढ़ोगे ना, आप कौन सा, ऑक्सीजन गैस एंड इलेक्ट्रोड, तो आपको क्या करना है, इधर से ऑक्सीजन गैस फ्लो करवानी है और इधर कौन सा लेना है, उस आपको एक ऐसा आयन लेना है जिसमें कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस का आयन हो, मतलब आप ले लो पानी ले लो जिसमें OH माइनस हो, या फिर H2SO4 ले लो, ठीक है, सॉरी हाँ पानी ले लो जिसमें OH माइनस आयन हो, ठीक है। तो OH माइनस में जब आपको ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो आपको वो आयन इसमें सॉल्यूशन लेना है जिसमें आपको गैस का कोई आयन मिल जाए, गैस का कोई आयन आपको मिल जाए, ठीक है, ओके। और प्लेटिनम आपको इलेक्ट्रोड वहाँ पे लेना है, ठीक। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड करते हैं, पहला पॉइंट है अपना रिप्रेजेंटेशन, चलो पहले सेल रिएक्शन चलो लिख लेते हैं एक बार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पे आपको बार बार कह रहा हूँ, अपन कौन सा केस लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हाफ सेल वाला, कौन सा, लेफ्ट हाफ सेल वाला, हियर वी यूज लेफ्ट हाफ सेल। ध्यान रखना भाई, अपन लेफ्ट हाफ सेल यूज कर रहे हैं, ना कि राइट हाफ सेल, राइट का भी करके बता दूंगा, चिंता मत करना, बस एक बता दूंगा, ठीक है, लेफ्ट हाफ सेल यूज कर रहे हैं। तो लेफ्ट हाफ सेल में पहले इलेक्ट्रोड आता है, फिर आपका देखो ये जो अपन नेमिंग कर रहे हैं ना, ये एक टाइप से लेफ्ट हाफ वालों की है। पहले किसको लिखोगे आप, पहले किसको लिखोगे, गैस को लिखोगे, फिर उस गैस के कोई आयन को लिखोगे, लेकिन गैस से पहले किसको लिखना है आपको, इलेक्ट्रोड को लिखना है। इलेक्ट्रोड क्या है आपका, PT, कैसा है, सॉलिड है, इसलिए आप तो यहाँ पे ज़रूरत वैसे नहीं है। अब गैस लिखोगे, गैस तो गैस होती है, तो सॉलिड और गैस दोनों में क्या है, डिफरेंस है, स्टेट फेज चेंज है, तो आप लिखोगे यहाँ पे H2 गैस। अब इस गैस का आयन क्या लिखोगे, H+, आयन क्या लिखोगे इसका, H+, ये एक्वस फॉर्म में मिल रहा है आपको, तो फिर से फेज चेंज हो गई, तो ये इसका लेफ्ट हाफ जो है उसका रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये क्या आ गया, लेफ्ट हाफ का रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक। दूसरा 4 राइट हाफ, अब उल्टा कर दो, पहले किसको लिख दो, आयन को लिख दो, H+ गैस, सॉरी एक्वस, ठीक, H2 गैस, और लास्ट में क्या लिखोगे, PT लिखोगे। ये किसका रिप्रेजेंटेशन आ गया, राइट हाफ सेल का। अब दोनों को कनेक्ट किससे करोगे, साल्ट ब्रिज से, दोनों के बीच में डबल स्लैश लगा देना, क्या हो जाएगा आपका, अब कंप्लीट सेल कैसे लिखोगे, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, PT H2 H+ H+ H2 PT, ये आपका कंप्लीट सेल क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो आपने लेफ्ट वाला लिखा है ना, उसको उल्टा करके लिख देना, आपने लेफ्ट वाला से लिखा है तो राइट वाला उसको उल्टा करके लिख देना, ऐसे बस कुछ नहीं करना। हमने क्या किया, इसी को पलटा मार दिया, इसी के अपने क्या किया, पलटा मार दिया, तो ये बन गया, इसको पलटा मार दिया तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना आपको, बस केवल पलटा ही मारना है। लेफ्ट लिख लिया तो राइट को पलटा मार देना, सेम उसका उल्टा होगा, आया समझ में। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन, क्या पढ़ रहे हैं, सेल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक। पॉइंट नंबर 2 है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन अपन कौन से पढ़ रहे हैं, केवल एनोडिक चैम्बर के पढ़ रहे हैं, लेफ्ट हाफ सेल रहे ना, तो इन एनोडिक चैम्बर, बोलो एनोडिक चैम्बर में एनोड है, ठीक है, तो एट एनोड
क्या होता है, मैंने बार बार आपको बताया, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप लिख देना आगे, एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, अब पता ही नहीं हमें किसका होगा। देखो इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक तो आपके पास है प्लेटिनम है, एक हाइड्रोजन गैस है, और एक आपका एच प्लस है, और एक सी एल माइनस है। बोलो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, बताओ। क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, बताओ, देखें, बताओ भाई, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। किसका हो सकता है, एच टू गैस का, एच प्लस का नहीं हो सकता, किसका होगा, एच टू गैस का। ये जो एच टू गैस थी ये कन्वर्ट हो गई किस में, ट्वाइस ऑफ एच प्लस में, प्लस का टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। आप चाहो तो कैथोडिक चैम्बर के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन कैथोडिक चैम्बर इन कैथोडिक चैम्बर क्या होगा, बोलो कैथोडिक चैम्बर में क्या होगा, एट कैथोड लग जाएगा, एट, चलो आगे लिख देते हैं, एट कैथोड क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, एच प्लस का। अरे ये जो है इसी का होगा रिडक्शन, कितने एच प्लस, देखो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना तो टू एच प्लस। जो इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा बैलेंस रखने भाई, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ऑक्सीडेशन में उतने रिडक्शन में गेन करवाने हैं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस रखने, ध्यान रखना। ये आपका हो जाएगा एच टू गैस, ठीक ठीक है भाई, ओके। अब क्या लिखोगे आप, अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, नेक्स्ट इक्वेशन आप इसकी लिखोगे भाई, ठीक है। अब क्या लिखने वाले हो आप, नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखने वाले हो, नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड पॉइंट, या फिर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, इस सेल इज इक्वल टू एनोड सेल माइनस का 0.0591 और एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अपन लिख रहे हैं फोर एनोडिक चैम्बर, या फिर लिख सकते हो फोर एनोडिक हाफ सेल, फोर एनोडिक हाफ सेल, या फिर आप लिख सकते हो एनोडिक हाफ सेल, ठीक है। मतलब आपको ये वाली रिएक्शन यूज करनी है, ये वाली रिएक्शन आपको यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो नोट डाल के एक चीज़ लिख लेना भाई, फोर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फोर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड सेल, एनोड सेल वैल्यू ऑलवेज जीरो, ध्यान रखना भाई, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा ना हम हमेशा उसके लिए एनोड सेल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वो आप जब एस एच ई पढ़ोगे ना, सी एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आप पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि एनोड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक ठीक भाई, ओके। तो अपने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, ई सेल, कौन सा ई सेल, लेफ्ट वाला ई सेल, क्या लिखने हुए, ई सेल के लिए आप लिखोगे पी टी एच टू एच प्लस, ये होता है आपका ई सेल। ऐसे एनोड वाले के लिए एनोडिक रिप्रेजेंटेशन करोगे, कैथोड वाले के लिए कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन करोगे, इज इक्वल टू जीरो माइनस का 0.0591 और एन की वैल्यू कितनी है, टू है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है ट्वाइस ऑफ एच प्लस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एच प्लस का स्क्वायर। आपको पता है ना जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन गैस है, तो जो भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, जो भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं या प्योर फॉर्म में होते हैं
उनकी कंसंट्रेशन या उनकी एक्टिविटी कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है। तो आप यहाँ पर लिख लेना कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये अपने पास आ गया। वो आपको पता है लॉग एक्स रेस्ट टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एक्स पावर आ गया जाती है, तो ये 2 आ गया जाएगा। बोलो क्या आएगा, ई पी टी एच टू एच प्लस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0.0591 ओवर 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस 2 से 2 मरा भाई। अब एक चीज़ देखना, मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, ई पी टी एच टू एच प्लस ठीक है इज इक्वल टू 0.0591 इंटू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। बोलो लिख सकते हैं क्या ऐसा, इसमें इसको इसके साथ लिख दिया, इसको एच डी लिख दिया। बात एक ही है, मल्टीप्लाई करो के सारे रिजल्ट सेम ही आने वाला है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, पी एच होता है। माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, पी एच होता है। सो आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, पी एच पुट कर सकते हो। तो आपके पास आ गया ई पी टी एच टू एच प्लस इज इक्वल टू 0.0591 पी एच। देखो भाई, बोलो ई सेल पूछ सकता है आपको पी एच की वैल्यू दे देगा, आपको डायरेक्ट पी एच की वैल्यू दे देगा कि हाइड्रोजन गैस है इलेक्ट्रोड के लिए। और क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा आपको, ये पूछ लेगा। ठीक है, ई सेल पूछ लेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो घबराया मत करो आप लोग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो आने वाले नहीं है। अगर आप कोई MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम दो या फिर और कोई एग्ज़ाम दो, ठीक है, JM के एग्ज़ाम दो, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आई होप आपको फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड है वो समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, गैस आयन इलेक्ट्रोड। अब एक आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है, जो कैथोडिक चैम्बर है, जो कैथोडिक चैम्बर है उसके लिए आप नेक्स्ट इक्वेशन खुद लिखोगे। बता देता हूँ क्या करना है, ये तो यहाँ तो सेम रहेगा, ये तो क्या रहेगा, 0। यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप, एच प्लस एच टू पी टी, उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन एच टू आ रहा है, तो एच टू की वैल्यू तो वैसे ही क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, इसको 1 मानना है, ओवर नीचे एच प्लस का स्क्वायर। ठीक है, एच प्लस का स्क्वायर। अब ऊपर लेके जाओगे तो एच प्लस की पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, एच प्लस की पावर माइनस की 2, अब वही पावर आ जाएगी, तो ये माइनस और यहाँ से माइनस 2 आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का ही रहेगा, ये किसका रहेगा, प्लस का, लेकिन हमें पता है कि माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या होता है, पी एच होता है। तो अब की बार जो नेक्स्ट फॉर्मूला ऑपरेट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, उसमें माइनस लग जाएगा, कैथोडिक चैम्बर वाले के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस उसमें लग जाएगा। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 0.0591 पी एच। तो आराम इसको आप आराम से आप इसको उतार लीजिएगा भाई, आराम से आप इसको उतार लो। ठीक है, बोलो भाई, अरे बोलो, इलेक्ट्रोड आप जैसे इलेक्ट्रोड एक्शन लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लिख सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो भाई। ठीक है, सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो सेकंड आप लिखोगे क्लोरीन गैस आयन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस आयन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड कौन सा है, क्लोरीन गैस आयन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे कौन सा गैस लिखोगे आप, कौन सा गैस लिखोगे, Cl2 गैस। यहाँ पे तो वही HCl लेना है। अब आपको किससे मतलब है, अगली बार आपको किससे मतलब है, Cl- से मतलब है, वो आपको मिल गया। मैं देखो आयन मिल गया, आयन गैस का, आयन गैस कौन सी है, Cl, उसका आयन क्या है, Cl-। अब रिप्रेजेंटेशन करोगे कैसे करोगे, पी टी सी एल टू सी एल माइनस, या फिर
Cl-Cl2Pt। अब खुद कर लोगे आप, अब मैं नहीं बता रहा, अब आप आगे सब कुछ खुद कैलकुलेट करोगे। ऑक्सीडेशन किसका होना है, Cl2 का होने वाला है। ऑक्सीडेशन किसका होना है, Cl2 का। तो Cl2 लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, Cl2 लिखोगे। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा बताओ, Cl2 गैस ऑक्सीडेशन के बाद में किसमें कन्वर्ट होने वाली है, सॉरी अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो Cl2 का नहीं होगा, किसका होगा, Cl- का होगा। एट एनोड एट एनोड किसका ऑक्सीडेशन किसका होना है, Cl- का, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा, हाफ Cl2 में प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो मुझे दिक्कत नहीं है, दो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे 2Cl- ले लेना, यहाँ पे 2Cl- आप ले लेना, मुझे तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, ठीक है। लो सर हमें खुश रखो, आप तो आप खुश रख दिया, ठीक। कैथोडिक चैम्बर में क्या होगा, अब रिडक्शन किसका होगा, Cl2 का होगा। रिडक्शन किसका होगा, Cl2 का होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एनोड सेल को जीरो लिखोगे, नहीं लिखना, हाइड्रोजन में लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखना, 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हम क्या लिखने वाले हैं, मान लो मैं एनोडिक लिख चैम्बर लिख रहा हूँ, तो एनोड Pt सॉरी Pt Cl2 Cl- इज इक्वल टू एनोड Pt Cl2 Cl-, ठीक। देखो एनोडिक चैम्बर के लिए ले रहे हैं तो यार रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Cl2 कितने मानोगे, 1 मानोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2Cl- तो 1/Cl- का स्क्वायर आएगा, ये Cl- कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो Cl⁻²² हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखते हो, Cl⁻²⁻², अब ये -2 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा भाई, ये माइनस और ये माइनस आगे आ जाएगा, लॉग x⁻²² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये क्या आ गया आपका, लॉग Cl-, बस इतना ही है भाई, ये इसकी कंसंट्रेशन दी जाएगी, पुट कर देना वैल्यू, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे pH वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं लगेगा, यहाँ पे pH का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखो भाई बस ये फॉर्मूला आपके पास फाइनल यूज हो जाएगा। अब के बाद इनोड विनोड कुछ भी जीरो नहीं होगा, खूब हो गया रे इतना तो, अब आप कर लोगे मुझे को पता है, ठीक है, आप इतने तो समझदार हो, आप अब कर लोगे तो ठीक है भाई। तीसरा मैं नहीं बता रहा, तीसरा खुद करोगे, ठीक है, चलो तो फिर कर लेना भाई तीसरा, ठीक है। अगला आप लिखो मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मैं नहीं बता रहा, तीसरा खुद कर लोगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे सोल्यूशन किसका लोगे, OH- का, सोल्यूशन किसका लेना है, OH- का, ठीक है। सेम डायग्राम बनाने, सेम फोटो बनाने, यहाँ पे O2 गैस लिख देना, यहाँ पे बस ओनली सोल्यूशन ऑफ OH- आयन। अब ऑक्सीडेशन करवाना है, तो एक तो आपके पास O2 होगी और एक क्या होगा, OH- होगा, तो देख लेना आप रिएक्शन लिख के ऑक्सीडेशन वहाँ पे करवा लेना, ठीक है भाई, ओके। अब अगला तो आप पढ़ के आए हो, मेटल आयन हाफ सेल पढ़ के आए हो ना, अगला कौन सा, मेटल आयन हाफ सेल।